बुरहानपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामनी निवासी पत्रकार पंडित माली, जो कि पिछले 19 जनवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहपुरा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी, किंतु पुलिस को कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि पत्रकार के साथ कोई घटना घटित हुई है, जिसके आधार पर पूछताछ और जाँच की गई तो पता चला कि घटना वाले दिन गाँव के ही कुछ युवक पत्रकार पंडित माली के साथ पार्टी करने खेत में गए थे, जहाँ इन सभी में विवाद हुआ और पार्टी में गए तीनों लोगों के साथ पत्रकार पंडित माली का विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा हो गया कि तीनों युवकों ने पत्रकार के साथ मारपीट की और खेत में बने एक मकान में जबरन ले गए, जहां उसे इन तीनों द्वारा जलाकर मार दिया गया। वहीं इन तीनों लोगों ने इस घटना को छिपाने के लिए सबूत भी मिटाने की कोशिश की। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्रकार पंडित माली की मोटरसाइकिल घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर डैम के पास छोड़ आए, जिसकी जांच और मौके है। स्थल से मिले सबूतों के आधार पर आरोपियों द्वारा घटना को कारित करना कबूला गया, जिसके आधार पर तीनों को हत्या, अपहरण और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर एक दिन की पीआर और लगी गई है, जिसमें और खुलासे होने की संभावना हो सकती है। फिलहाल इसमें आरोपी तीन आरोपी है, तीनों ने घटनाक्रम किया है और उन्होंने जिस तरीके से घटनाक्रम किया, जो मैंने आपको अभी पूरा बताया है, ये बेसिकली जिस तरीके से उनके द्वारा घटनाक्रम किया गया था, वो सब चीजें जो बताई गई है, उसी हिसाब से पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को बारीकी से देखा किया। कुछ कुछ चीजें उसमें से, जैसे ये वाले जो चीजें है, ये दो चीजें हमें बाद में मिली, पहली बार जब हम लोगों ने वो बोन उसमें से निकाले थे और फिर घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया था, और उसके बाद में फिर वापस जो है उसको देखने ये मिला हुआ है। बॉडी तो बेसिकली जलाया तो है उसके अंदर। अब उनका जो कहना है अभी तक, उसको अभी हम लोगों ने एक दिन का पीआर और लिया हुआ है, उसमें उनका ये कहना है कि साहब हमने बॉडी इसी में जला दी है, और जलाने के बाद में मतलब वो बॉडी जो है वो लगभग, ये घटनाक्रम हुआ है 9:30 बजे के आसपास का, 9:30 बजे के आसपास का घटनाक्रम, वहां पे लकड़ी के जो ये थे, नीम के लकड़ी के, बबूल की लकड़ी घास और उसके बबूल की लकड़ी बांस थी, और एक जो है वो ड्रिप वाले जो प्लास्टिक के होते हैं, वो प्लास्टिक है, वो भी बड़ी मात्रा में रखे हुए थे। 9:30 से 10 बजे के आसपास का ये घटनाक्रम है। 9:30 से 10 बजे के आसपास में घटनाक्रम होने के बाद में जब वो गोपाल के खेत में वापस देखा गया, तो सुबह 7 से 8 बजे तक वो आग धधक रही थी। शमशान घाट के एक व्यक्ति को बुला के भी मैंने पूछताछ की थी कि भाई कितनी देर रहने के बाद में उसका मतलब कि पूरा के पूरा स्कल का टुकड़ा मिल सकता है और हड्डी का टुकड़ा मिल सकता है, तो उसमें अलग अलग वेरिएशन है। अभी हम कुछ चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि जो हड्डी है वो और भी कहीं पे हो, तो अभी हम लोग उससे एक दिन की पीआर लेके और भी पूछताछ कर रहे हैं कि कुछ हड्डियाँ क्या उन्होंने कहीं पे इधर उधर की है, मगर एक मोटा मोटा जो पूछताछ करने में ये चीजें आई है, तो अगर 8 से 9 घंटे लगातार अगर वो जलेगी तो कहीं ना कहीं वो जो है वो चीजें हर हड्डी का चूरा टुकड़ा हो जाता है, और टुकड़े होने के बाद में कुछ जो है वो तितर बितर हुए होंगे। अभी उसमें से एक्चुअल में हम लोगों को 11 ऐसे जले हुए टुकड़े हड्डी के मिले तो है ही, एक हाथ के हड्डी का टुकड़ा मिला तो है ही, मगर बाकी जो है हड्डी के टुकड़े वो अभी तक उसके अंदर से नहीं मिल पाए हैं। तो ये सारी चीजें अभी कंफर्म हुई है, और उसके बाद में फिर अभी हम लोगों ने 302 का मामला कायम करके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, गोलू को गिरफ्तार किया है, किरण को गिरफ्तार किया है, और एक मोहनदा को। मोहनदा का खेत था, किरण जो है वो वहां पे काम करता था और गोलू भी वहां पे काम करता था।